दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मारुति सुजुकी डिजायर जो कि न्यू डिजायर आ चुकी है आपके सामने है। ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है 2025 मॉडल, न्यू मारुति सुजुकी डिजायर 2025 मॉडल आप देख रहे हैं। इस गाड़ी की स्टार्टिंग से लेकर टॉप तक क्या प्राइस रहने वाली है, इंजन कौन सा टाइप का मिलने वाला है अब नए डिजायर में, माइलेज क्या रहने वाला है, फीचर्स क्या रहने वाला है, सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसमें सनरूफ मिलेगा, एलईडी में आपको फ्रंट पे लाइट मिलेगी और रियर में भी आपको एलईडी हेडलाइट मिलेगी। कई ढेर सारे फीचर्स इस गाड़ी में आए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका वॉक राउंड ले लीजिए, यानी कि पूरा फुल रिव्यू होने वाला है, तो आप पूरा गाड़ी देख लीजिए किस तरह से दिखने वाली है। लुक आपके सामने, आपके स्क्रीन सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भाई सबसे खास खास चीज़ें जो है जो अभी तक नहीं था वो आने वाला है, यानी कि सनरूफ इसमें आएगा और 360 व्यू कैमरा, ये जो है बहुत ही एडवांस लेवल का फीचर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो हेडलाइट है ओडी A4 समझ लो ये गाड़ी है। इसका जो ग्रिल है फ्रंट का आप देख सकते हैं ओडी जैसा इसको दिया है, तो न्यू डिजायर जो है अब ओडी जैसा लुक मिलने वाला है आपको। तो काफ़ी ये प्रीमियम हो चुकी है, पहले जैसे कि टैक्सी जैसा फील होता था लेकिन अभी ये थोड़ा सा प्रीमियम कर दिया है गाड़ी, थोड़ा सा अच्छी यानी कि लग्जरी फील आपको मिलेगी। शार्क गारंटी अभी तक नहीं आता था, वो भी इसमें मिलेगा। कई ढेर सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। स्टार्टिंग प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आप कलर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इसमें आपको चेरी रेड कलर मिलने वाला है, इस तरह से आप देख सकते हैं एलॉय जो है मिल जाती है। पीछे की जो टेल लाइट है वो और फ्रंट की हेडलाइट जो है वो भी आपको पूरा फुली एलईडी में मिलने वाला है। नई ग्रिल आपको मिल जाती है और इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये कार जो है ज़्यादा महंगी भी नहीं रहने वाली है। सबसे खास बात ये भी है कि प्राइस जो है बहुत ही बढ़िया अंडर बजट में ये कार रहने वाली है और सेडान में। और अभी आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि होंडा अमेज न्यू वाली अमेज 2025 मॉडल वो भी आ चुकी है, दोनों एक साथ भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेज है, कौन सी एकदम कैसा लुक आने वाला है दोनों का, ठीक है, दोनों में कौन सी बढ़िया रहेगी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है। एलॉय आपको 15 इंच की मिल जाती है, 185/65 का टायर रहेगा, ऑल फोर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इस तरह से 15 इंच की एलॉय मिल जाती है। और फ्रंट पर देखेंगे तो फोग लैंप। और अब इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर आपको 3-टोन मिल जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। पुश बटन स्टार्ट टॉप में मिल जाता है, 360 कैमरा ऑटोमेटिक, और अगर आप जो है मैनुअल लेते हैं तो 5 गियर बॉक्स आपको मिलता है, यानी 5 गियर की गाड़ी मिलने वाली है। 1.2 लीटर जेड सीरीज पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा 3 सिलेंडर का, जो कि काफ़ी बढ़िया 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा एंड AMT गियर बॉक्स भी आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक भी मिलेगा। सीएनजी वाली भी जल्दी ही आएगी, अभी तो पेट्रोल में ही लॉन्च हुई है गाड़ी, आप देख सकते हैं आपके सामने है। 11 नवंबर को लॉन्च हो जाएगी ये, 11 नवंबर तक आपको शोरूम पर यह गाड़ी देखने को मिल जाती है और बाकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो बुकिंग चालू हो चुकी है, अभी आप बुकिंग करवा सकते हैं, 11 नवंबर तक ये शोरूम पर गाड़ी आ जाएगी। अब आप देखिए इसमें सनरूफ इस तरह से मिलेगा और इंटीरियर में काफ़ी तगड़ा चेंजेस किया गया है, इस तरह से आप पूरा देखते हैं। रियर में आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, कप होल्डर मिल जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और लगेज जो है रखने के लिए काफ़ी अच्छा खासा बोट स्पेस भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। ये रहा इंजन जो कि स्विफ्ट वाला इंजन आपको मिलता है, जो स्विफ्ट आई है 2024 मॉडल नी वाली, वही इंजन आपको मिलेगा। 1.2 लीटर जेड सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा आपको पावर भी मिल जाता है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो 7 लाख एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, 7 लाख से एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होगी और 10 लाख रुपये तक ऑन रोड कीमत ये गाड़ी जाने वाली है एक्स शोरूम प्राइस, ठीक है, यानी कि 7 लाख से बेस और 10 लाख तक टॉप मॉडल एक्स शोरूम प्राइस जाएगा। अब इसमें कई सारे फीचर है जैसे कि 360 यहाँ पर आपको वाई शेप में एलईडी में आपको मिल जाता है, स्पोर्ट लुक में तेल लाइट आपको मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं वाई शेप में ये रहने वाला है। और लेकिन इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब पर ही मिलने वाला है, बाकी डायमंड कट में एलॉय, ढेर सारे इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं, कई सारे आपको कलर ऑप्शन मिल जाता है। और ये 11 नवंबर को लॉन्च हो जाएगी और ये नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है मारुति सुजुकी डिजायर, ठीक है। तो गाड़ी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और ये देखिए सामने आपको पूरा फुल एलईडी में डीआरएल मिल जाता है, एलईडी हेडलाइट के अंदर ही, बाकी बीच में आगे और पीछे पूरा क्रोम से इसको टैप किया गया है, काफ़ी बढ़िया ये भी लुक मिलने वाला है। तो ये चीज़ सबसे डिफरेंस इस गाड़ी को बनाता है। और इसका तो खास करके ग्रिल बहुत तगड़ी है, पीछे का जो लुक है वो आप बताना कमेंट्स बॉक्स में कि कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। बाकी मेरे ख्याल से एलईडी में अगर तेल लैंप पूरा लंबा दे देते भाई वरना जैसा, या फिर जो है क्रेटा जैसा लंबा, तो फिर काफ़ी अच्छी खासी ये गाड़ी का लुक मिलने वाला था। बट आपको कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। माइलेज आपको स्विफ्ट वाला ही मिलेगा, यानी कि 18 से 20 का।